हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। और आखिरी के जो 7-8 डेज़ बचे हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करने चाहिए और किस डेप्थ में। देखो, दो तीन चीज़ें होंगी जो आप अभी तक स्टैटिक पढ़ते चले आए हो, प्लस करंट अफेयर्स पढ़ते चले आए हो, प्लस टेस्ट सीरीज़, ये जो भी आप पढ़ते चले आए हो, देखो इसका आप जितने जल्दी वाइंड अप कर दो उतना अच्छा है। ये चीज़ें देखो लॉन्ग टर्म मेमोरी की बातें हैं। अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया तो अब नहीं समझ में आएगा, अब उसे समझने की कोशिश मत करो, चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। मेरी एक बात को ज़रूर मान लेना, जो आपको नहीं आया समझ में वो किसी को नहीं आएगा समझ में, सबको दिक्कत होती है। हम सब नॉर्मली नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है, कोई हम में से एबनॉर्मली अच्छा या एबनॉर्मली बुरा नहीं होता इन जनरल, ठीक है। तो जो आपको आता है उससे 70-80% आप वैसे भी कर लोगे, जो नहीं आता वो अब हो नहीं पाएगा या कभी भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी कर लो आप, कितने ही अटेम्प्ट दे लो, कितने ही साल दे लो। तो ये तो हुआ स्टैटिक करंट और इसके लिए। इसके अलावा मैं आपको दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि आखिरी के कुछ दिनों में आप क्या करो। देखो, इस पार्ट से आप कट ऑफ के आसपास पहुँच जाओगे, बस कट ऑफ के आपको कूदना है, कट ऑफ के पार निकलना है। तो उसके लिए क्या है, दो चीज़ें मैं आपको कहूँगा। एक तो ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी लेक्चर में किस डेप्थ में पढ़ने हैं, प्लस जो शुभम सर का जो मेन सीट गारंटी प्रोग्राम के जो लेक्चर्स हैं वो आप सिनॉप्सिस की जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप खोल के ये वाली प्लेलिस्ट आप एक बार देखना। यहाँ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम मोड में 2013 से लेकर सी सेट और ये वाले 2013, 14, देन 15, 16, 17, 19 तक एक्सटेंसिव वीडियोस बनाए हुए हैं, किस तरह से ट्रिक्स अप्लाई होंगी, क्या अब नहीं वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, इन सब चीज़ों पर शुभम सर ने एक्सटेंसिवली आपको समझाया है। दो चीज़ें मैं कहूँगा जो आपको अब करनी चाहिए, एक तो ये स्टैटिक, दूसरा करंट। साथ में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अब डेली 40 टू 50 मिनट आप मैप्स के लिए ज़रूर दो, जिसके आप दो पार्ट करो, एक पार्ट आप वर्ल्ड मैप पढ़ो, एक पार्ट में इंडिया मैप पढ़ो। वर्ल्ड का जब पढ़ो तो एक कॉन्टिनेंट आप ले लो, आधे पार्ट में, आधे टाइम में आप उसका फिजिकल पढ़ो, आधे टाइम में उसका आप पॉलिटिकल मैप पढ़ो, ठीक है। इंडिया में आप कोई भी एक थीम उठा के डेली रिवाइज़ कर सकते हो। तो एक बार ये देख लेते हैं। देखो, ये पेड कोर्स है, बट आई वॉन्ट टेल कि अभी खरीदो, ठीक है, ये राइट टाइम नहीं है कोर्स ख़रीदने का। तो ये देखते हैं, इसमें टॉपिक वाइज मैंने ये चीज़ें लिस्ट डाउन की हुई है, मैप है, एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोनॉमी है, गवर्नेंस है, साइंस टेक, हर सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो वो मैंने यहाँ आपको बता दी हैं। मैं आपको जस्ट छोटे से लेक्चर में ही एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या चीज़ें किस डेप्थ में इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं मैप से ही। तो मैप में सबसे पहले हमें पढ़ने होंगे बायोम्स, ठीक है, बायोम और क्लाइमेट आपको वर्ल्ड के पढ़ने, बायोम इंडिया के मत पढ़ने लगना, जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया के बायोम नहीं पढ़ने, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया पढ़नी है, इंडिया का क्लाइमेट नहीं पढ़ना है, जो मैंने आपको मना कर दिया, ठीक है। वेजिटेशन का ऑक्सफोर्ड का एक मैप है, आप वहीं रट के चले जाओ। बायोम के लिए आप क्या करोगे, जो ये मैप है जी सी लियोंग वाला, अगर आपने बनाया हुआ है ये वाला तो इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें मिलेंगी यहाँ, काफ़ी चीज़ें सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल हैं, अगर आप चाहो तो लास्ट मिनट के लिए उन्हें डाउनलोड करके देख सकते हो वो कैसे वर्क करती हैं। देन बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी चीज़ें न्यूज़ में हों अगर उतनी ही याद हो जाएँ तो वो बहुत हैं, ये नहीं कि आप सारे के सारे रटने चले गए। रामसर साइट पहले 26 हुआ करती थी, फिर एक सुंदरबन ऐड हुई, फिर 10 और आई, तो अभी 37 है। तो अभी एटलीस्ट आप इन 11 के फीचर्स आप ज़रूर देखो, तो इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये रामसर वाला मैं यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में, यहाँ पर PT360 यहाँ पर अपडेट ज़रूर कर दूंगा, ठीक है, तो आप देख लेना। कोई भी चीज़ अगर आपको लगे कि आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं इस रिसोर्स सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। देन साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया का मैप ज़रूर पढ़ के जाना, हर बार न्यूज़ में आता है, इनको आप रट लो, जैसे भी रटो, एक दो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। लाइंस के ऊपर जो आपका ग्लोब है, यहाँ पर तीन लाइंस होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, और नीचे एक और होती है, देन इसके बाद ये वाली एक प्राइम मेरिडियन है, देन 180 डिग्री डेट लाइन जिसे कहते हैं, देन इसके बाद आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, तो इतनी लाइंस हमें पढ़नी होती हैं। तो ये आप पढ़ के जाओ, इसका लेक्चर ऑलरेडी मैप वाले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया है, कौन से सिटीज़ इंडिया में देख लेना और सी या ओशियन कौन से हैं वो ज़रूर पढ़ के जाना। सॉइल ऑफ इंडिया जो आईकार की हैं आप वो पढ़ के जाओगे, जो 8 टाइप ऑफ सॉइल्स हैं, वर्ल्ड की सॉइल्स नहीं पढ़ने बैठ जाओगे। सॉइल्स में आप एक टेबल जस्ट बना लो अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज़ वो फ्री रिसोर्सेज में यहाँ आपको मिलेगी। टेबल में आप यहाँ सॉइल लिखना, ब्लैक सॉइल यहाँ लिखो कि कौन सा मिनरल मिलता है, कौन सा मिनरल नहीं मिलता है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो एक टेबल फॉर्मेट में ही दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ ये आपके नोट्स में है, ऐसा कुछ है नहीं कि आपने ये चीज़ें पहले नहीं पढ़ी, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आखिरी के टाइम पर आपको ये चीज़ें किस डेप्थ में पढ़नी है। मैप ऑफ इंडिया जितने रिवाइज़ कर पाओ उतने कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, नेशनल वाटरवेज़ जो 6 हैं,
ठीक है, उनका मैप कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में है, कौन सी सिटी है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, ठीक है, या कौन सी रिवर है, क्या वाटर बॉडीज़ हैं, वो ज़रूर रट लेना उनसे एक क्वेश्चन। आई हैव सीन कि 2016 से लगातार हर साल एक क्वेश्चन नेशनल वाटर बेस से आया। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैप के ज़रूर देख लेना, पिछले 10 साल के हमेशा ये देखा गया है कि इससे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं सीधे सीधे, इनफैक्ट कभी कभी तो विद ऑप्शंस मैप में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मैप को आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको इसमें बोला कि आप ये कोर्स परचेज कर लो तभी हो पाएगा। आई होप कि अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो तो आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें पढ़नी है और किस स्टेप में पढ़नी है। फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में IUCN स्टेटस में जब आप चिड़िया बिल्लियाँ पढ़ो तो फिर ये देख लेना कि वो कहाँ मिलती है, उसका IUCN का स्टेटस क्या है, और किसी स्टेट की वो चिड़िया बिल्ली है क्या, तो वो ज़रूर देख लेना। ट्रीटी और प्रोटोकॉल हुए या इंडियन इन्वायरमेंटल लॉज हुए, फंड हुए, इन चीज़ों में हमें ये देखना होता है कि मतलब ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया, कोई डिक्लेरेशन है या नहीं है, इनमें इंडिया मेंबर है या नहीं है, किस चीज़ के लिए बनाएगा ऑब्जेक्टिव। ऐसे 8 से 10 ट्रीटी प्रोटोकॉल हैं, आपको पता है कि कौन से हैं, उनको रिवाइज कर लेना। एटलीस्ट ये 3-4 चीज़ें जरूर रिवाइज करके जाना। इंडिया के इन्वायरमेंटल लॉज में भी आपको ये चीज़ करनी है, 6 to 7 इंडिया के लॉज हैं, ठीक है। फंड जब पढ़ोगे तो एग्जैक्टली आपको सेम देखना पड़ेगा कि फंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट 2-3 टाइप के हैं, पढ़ लेना इस बार। मैरीन पॉल्यूशन के ऊपर कुछ कन्वेंशंस हैं जो न्यूज़ में हैं, वो आपको यहाँ फ्री रिसोर्सेज में आज रात में अपलोडेड मिल जाएंगे। और इसके अलावा BS6, BS4 इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में आई, तो पॉल्यूटेंट से इस बार एक क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड है। देन इन्वायरमेंटल बॉडीज़, इनके हेडक्वार्टर देख लेना, एम क्या होते हैं, और इंडिया मेंबर है या नहीं है, इतना ही रट लो, ठीक है। और इसके अलावा ये तो खैर इन्वायरमेंट का पूरा कोर्स था, तो अभी तो खैर इसको आप नहीं कर पाओगे, तो आई वॉन्ट टेल कि आप इस पर जाओ। इसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं पूरा, ये हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ। सिनॉप्सिस की अगर आप एक कोई सीरीज़ फॉलो कर सकते हो इस टाइम पर, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप यहाँ देखना सिनॉप्सिस पर PT 365 के जो लेक्चर्स हैं, हार्डली 20-25 आवर्स में है। निवेदिता मैम ने अभी रिसेंटली पॉलिटी अपडेट किया, आर्ट एंड कल्चर, सोशल इशूज़, ये मेरे पढ़ाए हुए हैं। देन ये पुराना जो है, इसी में आपको एक ये मिलेगा इकोनॉमी का जो है मिलेगा, साथ में जैन सर ने इकोनॉमिक सर्वे बजट, इस पर हम बात करेंगे अभी जब सर्वे और बजट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर आप एक बार पढ़ सकते हो। तो जो मैं यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन की बात की है ना, तो इंटरनेशनल रिलेशन का पूरा जो भी ये कंटेंट है सब कुछ मैंने उस वाले PT में पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। तो इंटरनेशनल ग्रुपिंग में देख लो इंडिया मेंबर है या नहीं है, हेडक्वार्टर अगर किसी का है तो देख लो, इंडेक्स और रिपोर्ट कौन देता है, कंपोनेंट के साथ रैंक रटने मत बैठ जाना कि इंडिया की 131 रैंक थी, ये था, वो था, फलाना निमका, नॉट इम्पॉर्टेंट, नहीं रट पाओगे। कंपोनेंट सिर्फ उसी के रटना जो न्यूज़ में रहा हो काफ़ी ज़्यादा, उसके पढ़ लेना। जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लास्ट ईयर न्यूज़ में था, इस बार मुझे नहीं लगता कि कंपोनेंट आएगा। मेजर जो है जैसे HDI हो गया, ठीक है, हंगर इंडेक्स हो गया, इनके कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज नॉट। इंटरनेशनल रिलेशन में ये देख लो मेंबर कौन है, शेयर ऑफ मेंबर क्या है, एटलीस्ट 3-4 ग्रेटर, उसके अकॉर्डिंग देख लो हेडक्वार्टर का है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। 4 मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो रट के जाओ, NDB, AIB, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये पढ़ के जाओ, पढ़ा दिया है, यूट्यूब पर लेक्चर फ्री है, और शॉर्ट नोट बना लो आधे पेज के, आपका काम चल जाएगा। इसके बाद इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो भी होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट ट्रीटी, ऐसे P5+1 काफ़ी न्यूज़ में, BTIA लास्ट ईयर ही पूछ लिया था, ये न्यूक्लियर डील अभी रिसेंटली जो हुई हो, बैंक से रिलेटेड कोई डील हुई, चाइल्ड लेबर कन्वेंशन जो होते रहते हैं ILO के, और करप्शन टेररिज्म से रिलेटेड लास्ट ईयर, इस पर भी क्वेश्चन पूछा था। लगातार मतलब इस एक छोटी सी चीज़ से पिछले साल 2019 में कितने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, ये तो इस साल भी पूछेगा। सी देखो, इस टॉपिक की खास बात यह है ना कि अगर इन टॉपिक से नहीं पूछा तो घबराना नहीं, एग्जाम में छोड़ा ना, कट ऑफ अपने आप नीचे गिर जाएगी। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को देख लेना, डिक्लेरेशन कौन से डिक्लेरेशन से आया है, मनीला डिक्लेरेशन है, कहाँ से है, कहाँ से जाता है, मल्टी मॉडल है या नहीं। मल्टी मॉडल मतलब जैसे रेल हुआ प्लस रोड हुआ प्लस ये 2-3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो उसे हम मल्टी मॉडल कहते हैं। देन वेस्ट एशिया से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहती है, इस साल भी कुछ न्यूज़ में टर्म्स रही हैं, तो उनको आप रट लो, जैसे 2-state solution, ऐसी टर्म्स आपको दिख जाएंगी तो वो आपको रटनी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, इंडिया मेंबर है नहीं, अगेन वही सेम टाइप की चीज़ें, तो ये आपको देख लेनी है एक बार, ठीक। इकोनॉमी में बात करते हैं तो ये 6-10 पेजेस, ये तो हालांकि पूरी ही इकोनॉमी है। मृणाल की इकोनॉमी पढ़ोगे आप 800 पेजेस की होगी, मैंने खुद उनको फॉलो किया था, अगेन वही इकोनॉमी मैंने 8 पेजेस में कंप्रेस की थी,
ठीक है। तो इस टाइम पर आई वॉन्ट टेल कि आप मृणाल सर की इकोनॉमी पढ़ने बैठे हो, कोई भी इकोनॉमी पढ़ने बैठो, ये टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, बीओपी, इनके कंपोनेंट, डेफिनेशन ये देख लेना, नेशनल इनकम में क्या होता है, कंपोनेंट, इन्फ्लेशन कैसे काम करती है, जीडीपी के फॉर्मूले ये सब क्या है ये देख लेना, सर्वे की जो मैंने बात की थी 15 से 20 टर्म्स जो हर साल न्यूज़ में रहती हैं वो इस लेक्चर में पढ़ा दी गई है, ये जयंत सर ने पढ़ा है, इस लेक्चर को ज़रूर देख लेना, एक घंटे में सर्वे और बजट दोनों की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वो यूपीएससी ये देख लो आप यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा इंडिसेज अगर आपको कोई दिखते हैं इकॉनमी से रिलेटेड, जैसे CSO का इंडिसेज है, WPI, CPI कौन रिलीज़ करता है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। देन गवर्नेंस में इसके लिए मैं ये कहूँगा, अगर आपने मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट पढ़ लिए देन इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं तो सिनॉप्सिस का एक मिनिस्ट्रीज़ का है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, लोग स्कीम्स का PT निकालते हैं, सिनॉप्सिस ने जो PT निकाला हुआ है वो मिनिस्ट्री का है, क्योंकि जो स्कीम्स हैं वो सब तो मतलब साइंस टेक में आ गई, यहाँ कहीं ना कहीं कवर हो ही जाती है ना ऊपर, ठीक है। तो आप ये मिनिस्ट्री का स्ट्रक्चर आपको समझना जरूरी है, आपको ये समझना है कि फर्टिलाइज़र है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं है, ठीक है। होम सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है तो दैट इज़ इन नॉट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो होम में आता है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज वाला कल्चर मिनिस्ट्री में नहीं है, वो आपका आता है आई थिंक होम में आता है। तो ये आपको एक्सेप्शन समझने पड़ेंगे, कौन सा किस मिनिस्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट है, लाइक दैट, ठीक। तो ये हो गया। तो आपको कोई भी स्कीम अगर देखनी है तो दो चीज़ें देखनी, एक तो मिनिस्ट्री वाइज कि मिनिस्ट्री में कौन कौन सी स्कीम है, दूसरा स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में। देन पॉलिटी की बुक में, बाकी तो एनीवेज पॉलिटी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो चार चैप्टर है ना, 5th, 6th शेड्यूल, यूनियन टेरिटरी और ये वाले, इनसे हर बार एक या दो क्वेश्चन आता है और ये मान के चलो गंदा सा क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन टाइप क्वेश्चन आएगा, आपको गलत कराने की कोशिश करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें साइंस टेक की, तो साइंस टेक और इंटरनल सिक्योरिटी मैं यूट्यूब पर आपको फ्री पढ़ा चुका हूँ, आप चाहे तो यूट्यूब एक बार खोल के यहाँ देख सकते हो, कोई भी टॉपिक अगर आपको लगे कि मिसिंग है तो आप यहाँ देख लेना, बहुत डिटेल में पढ़ाई है, ठीक है। इसलिए साइंस टेक का कोई PT नहीं भी था, बट आई वॉन्ट टेल कि अभी आप फिलहाल ये चीज़ें रिवाइज़ करो, अगेन यहाँ मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है। देखो साइंस टेक ये है और इंटरनल सिक्योरिटी ये है, तो इनमें BRC, न्यूक्लियर, DRDO ये जो चीज़ें हैं ना, इनका आपको करना क्या है, जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन न्यूज़ है ना, ठीक है, जैसे बायोटेक, इस बार पूरा बायोटेक ही न्यूज़ में है ना, कोरोना वायरस है, तो वायरस क्या होता है, कैसे काम करता है, वायरस को आप एटलीस्ट उस लेक्चर से देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मिसाइल, एयरक्राफ्ट कैरियर, नेवल शिप, सबमरीन, करंट अफेयर्स में UAV, वेपन, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एक्सरसाइज किससे हो गई, नेगोशिएशन किस कंट्री से हुआ, एक्सेप्शन जरूर रट लेना, इंडिया मेंबर है कि नहीं ये पक्के से रट के जाना, और न्यूक्लियर स्पेस रिलेटेड जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं वो रट के जाना। इसके लिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो बायोटेक है, एक चीज़ आप ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि ये कोविड का टाइम है, यहाँ पर जो ये नोट्स हैं, इन नोट्स का जो सोर्स है साइंस टेक में, यहाँ पर आपको दिखेगा वायरस क्या होता है, यहाँ बायोटेक के आपको लेक्चर देखेंगे, बायोटेक Part 1, 2, 3, 4, ये Part 5 व्हाट इज़ अ वायरस, यहाँ से लेके DNA, ये 6 लेक्चर्स एक बार देख लेना, आपको ज़रूर एक से दो क्वेश्चन आएंगे। ये जो कंटेंट है ये नॉर्मल किसी बुक में नहीं है, NIOS से लेके बनाया गया है, ठीक है, इग्नो और NIOS के जो मेटेरियल है उनसे बनाया गया। IPR इशूज़ को लेके भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इसी सीरीज़ में यहाँ पर IPR का एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, ये वाला लेक्चर IPR GITech, ये सब फ्री चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि अभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देन हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में एंशियंट और मीडिवल के लिए जैसे मैंने कहा था वन लाइनर है, ठीक है, तो वन लाइनर के लिए कौन हो सकता है बेटर हमारे जिया सर से, तो उन्होंने यहाँ पढ़ाया है, यहाँ आप अगर देखना चाहो तो आपको दिखेगा सिनॉप्सिस में, जनरल स्टडीज़ में, प्रीलिम्स में, इसमें आप यहाँ जाना, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट और मीडिवल, पहले दो लेक्चर हैं, पहला एंशियंट का वन लाइनर है, दूसरा मीडिवल का वन लाइनर, तो ब्यूटीफुल लेक्चर्स हैं ये, बाकी आप पूरा अगर रिवाइज़ कर पाओ तो इट इज़ वेल एंड गुड। इसके अलावा एंशियंट और मीडिवल में आपको जब ये वन लाइनर के साथ में मैप, कैपिटल, पोर्ट, रिवर, रिवर क्या है सेपरेट जो किसी टेरिटरी, जैसे चोला और पंड्या के बीच में कौन सी रिवर थी, ये वाली, ये चीज़ें आपको रटनी चाहिए, साथ में पोर्ट, कौन सा पोर्ट, पोर्ट से लगातार क्वेश्चंस पूछता आया है UPSC मीडिवल और एंशियंट के। देन फ्रीडम स्ट्रगल अगेन ये 2020 सीरीज़ में जयंत सर ने पढ़ाया था, उसमें आपको ये देखना है इवेंट कौन सा हुआ, पर्सनैलिटी कौन सी है जुड़ी हुई, क्रोनोलॉजी। बिलीव मी, एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये मेरी दिक्कत होती है कि मतलब NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहले हुआ था कि क्विट इंडिया मूवमेंट पहले हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि जो प्री निकालते हैं लोग वो कुछ अलग होते हैं, वो सब नॉर्मल होते हैं। ब्रिटिश पॉलिसीज़ वाला एक बार रिवाइज़ कर लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल PDF है वो, आपको शायद यहाँ मिलेगा या हो सकता है, देख लेना कैसे आप उसको अरेंज करें। तो ये टॉपिक हैं वाइट रेसिज्म, सोशियो कल्चरल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, लैंड टेन्योर, इंडियन के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनसे रिलेशन, फॉरेन रिलेशन, लोकल बॉडीज़, पुलिस रिफॉर्म्स, आर्मी रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ प्रेस। अगर आप मुझसे एक चीज़ कह दो कि भैया क्या चीज़ आप करके जाओगे, फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट या ये, तो मैं ये वाला ऑप्ट करूँगा,
ठीक है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो पॉलिटी का चैप्टर वन है, प्लस जो स्पेक्ट्रम में आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हैं 1773 से लेकर इंडिया के आज़ाद होने तक, ये रिद्धि मैम ने पढ़ाए हैं। इसके अलावा आप खुद से भी पढ़ सकते हो, आपको रिवाइज़ कर लेने चाहिए। इंडियंस का रिस्पॉन्स क्या था ये जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसमें, तो ट्रेड यूनियन सिनॉप्सिस के एक पेज से, दो पेज से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, दो पेज से तीन क्वेश्चन भी आए हैं सेम ईयर में, ऐसा ऐसा भी हुआ है। ठीक है, पीजेंट रिवोल्ट आपको पढ़ना है, किसान आंदोलन, ट्राइबल और सिविल अपराइजिंग। ट्राइबल सिविल में आप एक चीज़ देख लेना कि कौन से ट्राइबल थे कौन से सिविल थे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उसमें आप बहुत डिटेल में पढ़ो। देखो ये सब ना फैक्चुअल क्वेश्चन आते, कभी हो पाएंगे कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए, उन्होंने बुक कौन सी पब्लिश की, और साथ में उनकी आइडियोलॉजी एक बार ज़रूर समझ लेना। आइडियोलॉजी तो खैर आप क्या ही समझ पाओगे, तो साल भर में समझ ली होगी तो समझ ली होगी, नहीं तो अब नहीं समझ में आएगी। इसके बाद वॉइसरॉय और कांग्रेस सेशन जो इंपॉर्टेंट सेशन हो, इंपॉर्टेंट वॉइसरॉय हैं वो ज़रूर रट लेना। आर्ट एंड कल्चर में तो फिर मतलब ठीक है, अब जैसे याद हो जाए, ये सारे टॉपिक हैं आप जानते हो। ठीक है, तो ऑलरेडी ये चीज़ें लगभग, ये भी आर्ट एंड कल्चर का पूरी सीरीज़ यूट्यूब पर फ्री है, सेम एंशिएंट और मिडिवल वाला लेक्चर में, वहाँ आप देख लेना। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, इनमें क्या खास बात है कि क्वेश्चन दो तरह के आएंगे, या तो ईजी आएंगे जो सबसे हो जाएंगे, या फिर टफ आएंगे जो यूपीएससी के फूफा से भी नहीं होंगे। तो फिर मतलब इन क्वेश्चन को ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। लास्ट टाइम में हम टाइम वेस्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर की गंदी गंदी चीज़ें रटने में। तो अगेन मैंने बताया ना कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से एग्जाम सॉल्व होगा, जो आपको आता है वो आप एनीवेज कर दोगे, जो नहीं आता वो अब नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे, नॉट अभी की बात। ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक्स में देख लो, ट्राइब्स में पीवीटीजीज पर स्पेशल इम्फेसिस होना चाहिए, 75 पीवीटीजी हैं, लास्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो एटलीस्ट ये नंबर आपको तो पता ही होना चाहिए ना। ठीक है, हालांकि ठीक है नंबर्स हम नहीं रटते, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जो जो पीवीटीजी हैं, किसी एक को इस बार कोरोना हो गया, या जो भी न्यूज़ में है वो पढ़ो, कमेटी जो न्यूज़ में हो उनको एक बार रिवाइज़ करो। इंटेंजिबल हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज, ये मैंने पढ़ा दी आपको आर्ट एंड कल्चर में लगातार, पीटी में है झूम, वाटर स्टोरिंग, विटी कल्चर, ये सब तो मतलब गंदी गंदी चीज़ें याद हो जाएँ तो वेल एंड गुड, नहीं हो जाएँ तो वेल एंड गुड। तो मेरा कहने का मतलब नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ मेरा कहने का मतलब यह है, देखो दो तीन चीज़ें हैं एग्ज़ाम में, जो स्टैटिक है उसे आप रॉन्ग मत करो, अगर आप रॉन्ग कर दोगे तो फिर बाहर हो जाओगे। स्टैटिक में भी जो इजी क्वेश्चन है, कट ऑफ हमेशा नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन से कम जाएगी, इस बार भी देख लेना, जिन क्वेश्चन को लेके डिबेट होगी कट ऑफ उतनी ज़्यादा नीचे गिरती जाएगी। आप ये देख लेना आप कितने क्वेश्चन इजी मानते हो, फिर ये देख लेना कितने क्वेश्चन को लेकर डिबेट हो गई मार्केट, उन सबको लाइन से कट कर देना, उतनी आपकी कट ऑफ जाएगी। एग्जाम में आराम से सॉल्व करो क्वेश्चन, और आखिरी के 10 दिन ना, एक ही चीज़ है जिसमें आप ये फाइट हार सकते हो, अगर आप पैनिक कर गए तो इस 10 दिन में आराम से पढ़ो, जितना पढ़ लो उतना पढ़ लो, उतना सफिशिएंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक चीज़ कुछ ज्वाइन करना ही चाहो तो ये मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, इसमें प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन है, सॉल्यूशन है, प्रीवियस 10 ईयर्स से हमने देखे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो पेड कोर्स है उसकी एक अपनी अलग वैल्यू है। बट पर्सनली आई विल टेल कि अगर आप मुझे कहो तो मैं ये वाले वीडियोज़ देखना पसंद करूँगा जो यूट्यूब पर फ्री हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पर कोई भी कोचिंग हो, आपको कहे कि मेरा मटेरियल खरीद लो, ये कर लो, ये बहुत अच्छा है, ऐसा है, लास्ट मिनट रिवीजन, वो सब अपनी जगह, और ये टॉपिक की वैल्यू अपनी जगह। कोई एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, ठीक है, इस बार इन एग्ज़ाम, ये इस टॉपिक से 2020 सीरीज से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे ना, कट ऑफ निकल जाएगी। अगर आपको ये टॉपिक आते तो कट ऑफ आपको यही टॉपिक निकलवा देते हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट तो बाकी अलग चीज़ें हो ही गई। सो आई थिंक कि आप नेक्स्ट 10 डेज़ या नेक्स्ट 7 डेज़, आई थिंक 3 डेज़ तो मैं लास्ट के काउंट नहीं करूँगा, तो नेक्स्ट 7-8 डेज़ आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओ। और बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। 1-2 लेक्चर्स मैं प्री के पहले और आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आप चीज़ें एग्ज़ाम मोड में और ओरिएंट हो पाओ। हाँ, एग्ज़ाम से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ एग्ज़ाम हॉल में नहीं करनी है या करनी है। पहली चीज़, सबसे पहले नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। ठीक है, कहीं यूपीएससी ने 100 के बदले 200 क्वेश्चन दे दिए, ऐसा एक बार मेंस में हो चुका है। ठीक है, एक बार नहीं, दो बार हो चुका है। एक बार यूपीएससी ने क्या किया था, 10-10 नंबर के 25 क्वेश्चंस पूछ लिए थे 2013 या 2014 में, जिस साल वो अनएकेडमी के फाउंडर रोमन सैनी सेलेक्ट हुए थे उस साल ये हुआ था। फिर अभी 2-3 साल से यूपीएससी क्या करने लगी है कि 12.5 × 20 के बदले 10 × 15 10 × 10 + 15 × 10, मतलब इस तरह की खेल खेलने लगी है। तो हमेशा देख लेना कि 100 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कहीं 200 तो नहीं हो गए, अदरवाइज आपकी पूरी कहानी धरी रह जाएगी अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं देखे। सी सेट में देख लेना कि भैया क्या है, और पहला पेज जो लिखा हो ना, जहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, मार्किंग कितनी है, कितना नेगेटिव है, वो सब चीज़ें देख देख के ज़रूर जाना। कहीं अगर नंबर 80 का यूपीएससी ने सी सेट में 80 का 120 कर दिया ना, तो फिर लंका लगनी तय है। ठीक है,
इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो मैं कहता हूँ, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो ठीक है, इमीडिएटली आंसर की में बबल करो जो हो गया, अदरवाइज़ क्या होता है, लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको 1 2 3 4 5 मेरे साथ ऐसा हो चुका है ठीक है, 1 का 2 ये पूरी सीरीज़ आपकी एक गड़बड़ हो जाएगी और आप बाहर गारंटीड ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लास्ट के लिए छोड़ देते हो ना इजी क्वेश्चन, लाइक आपने ये ऐसा क्वेश्चन है ये सॉल्व कर दिया, तो इसमें आप दोबारा टाइम देने की नीड नहीं है, आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे, ये एक चीज़ करनी है। प्लस आपको जो सेट मिलेगा ना उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है फॉर एग्जांपल ठीक है, तो हो सकता है आपको पहले के 10 क्वेश्चन ना ही आते हो, 0 मेरे साथ हो चुका है एक में, बट करते जाओ, एक घंटे में ट्राई करो पूरा पेपर सॉल्व कर डालो। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 30 आप नहीं समझ में आ रहा तो उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हो, ऐसा हुआ है मेरे साथ खुद हुआ है एग्जाम में, तो ये चीज़ें आप करो, पिछले 2-3 साल में भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जिनका आंसर क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं आगे पीछे दिया होता है, तो ये आपको ज़रूर करना है। प्लस एक चीज़ें और देख लेना, एक ट्रिक जो मैं आपको बता दूँ, काफ़ी चीज़ें शुभम सर ने बता दी, मैंने ही बता दी, एक चीज़ और होती है ऑप्शन में ठीक है, एक चीज़ ये है कि कई बार ना ऐसे ऑप्शन होते हैं, आपने ये एनी एक्सट्रीम वर्ड ये सारी चीज़ें देख ली, एक और ऑप्शन बताता हूँ, मान लो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें कहा 1 ओनली, इसमें कहा 2 ओनली, इसमें कहा 1 एंड 2, इसमें कहा कोई भी नहीं। एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन ऐसे होता है ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to A and B, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, एक चीज़ ज़रूर देख लेना, कई बार आपको ना ऑप्शन 1 आता होगा ना 2 आता होगा किसी भी पैरामीटर से ठीक है, तो आप ये 4 ऑप्शन में से कुछ नहीं करने वाले हो, कभी ऐसा ज़रूर होगा कि आपको ना तो 1 पता है ना 2 पता है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होगा कि ऐसा तो ये ज़रूर होगा, अगर इफ़ 1 इज़ ट्रू देन 2 इज़ रॉन्ग, या इफ़ 2 इज़ ट्रू देन 1 इज़ रॉन्ग। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊँ, ये क्वेश्चन आया था अभी आई थिंक जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, आई थिंक कोई स्कीम पूछी हुई थी DOPT के बारे में कुछ क्वेश्चन था ठीक है, कहीं मैं सॉल्व कर रहा था, आई थिंक UPSC का ही क्वेश्चन है ठीक है, तो उसमें लिखा था ये स्कीम DOPT की है ठीक है, और दूसरा उसमें बात की हुई थी स्किल डेवलपमेंट की ठीक, तो एक चीज़ पक्की है, अगर DOPT की स्कीम है तो वो फिर स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं कराएगी, अगर स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है तो फिर DOPT नहीं कराएगा, तो एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन तो उसमें इजीली एलिमिनेट कर लोगे ठीक है, तो बाकी फिर तुक्का मार दो आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खैर ठीक है, प्रीलिम्स में एक्चुअल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसके बारे में मैं आपसे फिर बात करूँगा प्री से पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, कीप ऑन स्टडिंग और विश यू ऑल द बेस्ट।